नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, तो चलिए इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें अधिक से अधिक लोगों को। तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर एक। यहाँ पूछा गया, एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है भविष्यवाद, दादावाद, अव्यंजनवाद या घनवाद। यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अव्यंजनवाद। तो एमिल नोल्डे अव्यंजनवाद से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो में पूछा गया है, मोजाइक कला संबंधित है? ऑप्शन है वाइजेंटाइन कला से, दूसरा ऑप्शन है आधुनिक कला से, तीसरा ऑप्शन है गोथिक कला से और चौथा ऑप्शन है शास्त्रीय कला से। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, वाइजेंटाइन कला से। तो मोजाइक कला संबंधित है वाइजेंटाइन कला से। अगला प्रश्न है, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा, द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ है? मेसोपोटामिया में, ग्रीस में, ईरान में या मिस्र में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिस्र में। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा मिस्र में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर चार। कौन अव्यंजनवादी कलाकार नहीं है? कौन अव्यंजनवादी कलाकार नहीं है? ऑप्शन है पालकली, दूसरा ऑप्शन है कोकासका, तीसरा ऑप्शन है मॉडरियन और चौथा ऑप्शन है कंडिश्की। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मॉडरियन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर पाँच। फोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया? फोताज पद्धति का आविष्कार करने वाले कौन हैं? ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मार्क एंसर्ट, दूसरा ऑप्शन है आंद्रे मास्को, तीसरा ऑप्शन है इवे तांगी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मार्क एंसर्ट। फोताज पद्धति के आविष्कारक है मार्क एंसर्ट। प्रश्न नंबर छः देखते हैं। यहाँ पूछा गया, फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन के चित्रकार थे? पहला ऑप्शन है रोमांटिक आंदोलन, दूसरा ऑप्शन है पुनर्जागरण, तीसरा ऑप्शन है दादावाद आंदोलन और चौथा ऑप्शन नव प्रभाववादी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रोमांटिक आंदोलन। तो फ्रांसिस्को गोया रोमांटिक आंदोलन से संबंधित चित्रकार हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर सात। नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? नीली और गुलाबी अवध किससे संबंध है? ऑप्शन है एडवर्ड मुंह का, हेनरी रूसो का, पाब्लो पिकासो का या हेनरी मातिस का। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पाब्लो पिकासो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर आठ। पुनर्जागरण कला शैली किस पर आधारित है? पुनर्जागरण कला शैली किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मूर्ति पूजा, दूसरा ऑप्शन है मानवीयता, तीसरा ऑप्शन है प्रभाववाद, चौथा ऑप्शन है फाववाद। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मानवीयता। तो पुनर्जागरण कला शैली मानवीयता पर आधारित है। प्रश्न नंबर नौ देखते हैं। गंधार शैली का मिश्रण किन दो शैलियों से है? पहला ऑप्शन है भारतीय ईरानी, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक भारतीय, तीसरा ऑप्शन है भारतीय चीनी और चौथा ऑप्शन है ग्रीक ईरानी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ग्रीक और भारतीय। तो ग्रीक और भारतीय मिश्रण गंधार शैली है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर दस। बेनिस की कला की विशेषता क्या है? बेनिस की कला की विशेषता क्या है? पहला ऑप्शन है वर्ण प्रधान चित्र है, दूसरा ऑप्शन है इंद्रिक सौंदर्य का प्रदर्शन है, तीसरा ऑप्शन है संगीत में लयात्मकता है, चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से सभी। तो देखिए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंद्रिय सौंदर्य का प्रदर्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। यहाँ पूछा गया है, मैडोना का चित्रण किस चित्रकार की प्रसिद्धि का आधार बना है? ऑप्शन है रैफेल, दूसरा ऑप्शन है माइकल एंजेलो, तीसरा ऑप्शन है लियोनार्डो द विंची और चौथा ऑप्शन है ए सभी। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, राइफल। तो मैडोना का चित्रण राइफल की प्रसिद्धि का कारण बना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। लीला व हंस किसका चित्र है? राइफल का है, विंसी का है, माइकल एंजेलो का है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लियोनार्डो द विंची। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। कौन पुनर्जागरण युगीन चित्रकार जिसकी जीवन गाथा उसके जीवन काल में प्रकाशित हुई? पहला ऑप्शन है लियोनार्डो द विंची, दूसरा ऑप्शन राफेल, तीसरा ऑप्शन मासेचियो और चौथा ऑप्शन माइकल एंजेलो। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, माइकल एंजेलो।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, लियोनार्डो विंची द्वारा चित्रित द लास्ट सपर है, तो सभी चित्र है, दृश्य चित्र है, वृत्त चित्र है, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वृत्त चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 15, विंची का द लास्ट सपर चित्र बनाया गया फ्लोरेंस में, वेनिस में, इटली में या मिलान में। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिलान में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 16, द ट्रिनिटी किसकी कृति है, राइफल की है, मैसेचियो की है, डोनाटेलो की है या फ्रा एंजेलिको की है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मैसेचियो की है। अगला प्रश्न देखते हैं, बसंत किसका चित्र है, बसंत किसका चित्र है, पाब्लो चेलो का है, मैसेचियो का है या वेरेनिच का है या वेंटिशेली का है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, मैसेचियो। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 18, काना का वैवाहिक भोज, काना का वैवाहिक भोज किसका चित्र है। ऑप्शन है पाउलो बेरोनीज, दूसरा ऑप्शन है राइफेल, तीसरा ऑप्शन है एंजेलो और चौथा ऑप्शन है डोनाटेलो। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पाउलो बेरोनीज। प्रश्न नंबर 19, मृत का नाच, यो मृत के का खा किस जर्मन चित्रकार के चित्र मालाएं हैं। मृत का नाच, यो मृत के का खा गा किस जर्मन चित्रकार के चित्र मालाएं हैं। पहला ऑप्शन है अल्बर्ट ड्यूरर का, दूसरा ऑप्शन है हास हॉलविन का, तीसरा ऑप्शन है सान गैर का और चौथा ऑप्शन है गुटेनबर्ग का। इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हास हॉलविन। अगला प्रश्न है पेरिस का निर्णय, पेरिस का निर्णय किसका चित्र है, पीटर पाल रूबेंस का है, रेम्ब्रा का है, राइफल का है, इनमें से कोई नहीं। पेरिस का निर्णय, सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीटर पाल रूबेंस का है। पेरिस का निर्णय जो चित्र है पीटर पाल रूबेंस का है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 21, बरोक कला का प्रथम प्रणेता चित्रकार माना जाता है। ऑप्शन है पीटर वर्गेल को, दूसरा ऑप्शन है ग्रिको को, तीसरा ऑप्शन है एंजेलो को और चौथा ऑप्शन है जान वान वाइक को। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एंजेलो को। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 22, वावरिजा चित्रकारों में कौन चित्रकार सम्मिलित नहीं है, रूसो, मिले, कोरे या रेनवार। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रेनवार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 23, सिंगर्स एट द वार संबंधित है पिसारो से, सिसली से, देगा से या लोत्रेक से। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, देगा से, एडगर देगा। अगला प्रश्न है नवशास्त्रीय कला का प्रथम चित्र माना जाता है। पहला ऑप्शन है होरिसियो का प्रण, दूसरा ऑप्शन है सेवाइंस का अपहरण, तीसरा ऑप्शन है थर्मोपिल में लियोनेडियस और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, होरिसियो का प्रण। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 25 नंबर, बिशन दास निपुण थे किसमें, छवि चित्रण में, भूत दृश्य में, ऐतिहासिक दृश्य में, इनमें से कोई नहीं। तो बिशन दास निपुण थे छवि चित्रण में, ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 26, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था, बाबर, हिमाऊ, अकबर या जहांगीर। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक अकबर को माना जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 27, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है, उत्तर, पूर्वी, पश्चिम या दक्षिणी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन। अगला प्रश्न है डबल डोम का अर्थ क्या होता है, ऑप्शन है एक हरे गुंबद, दोहरे गुंबद, मिश्रित गुंबद या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दोहरे गुंबद। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 29, एक झील के बीच किस शासक का मकबरा बना हुआ है, हिमाऊ, शेरशाह, अकबर या बाबर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 30, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली के से संबंध रखता है, अजंता शैली, पाल शैली, जैन शैली या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, पाल शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31, मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसके समय मिला, अकबर के समय,
बाबर के समय, हिमाऊ के समय या जहांगीर के समय? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अकबर के समय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। भारतवर्ष के किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई है? इलाहाबाद, मिर्जापुर, जबलपुर या बनारस? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिर्जापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। एंडरसन महोदय ने सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज किस सन में की थी? एंडरसन महोदय ने सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज किस सन में की थी? 1915, 1912, 1930 या 1910? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1910 ईस्वी में एंडरसन महोदय ने सिंघनपुर के शैल चित्रों की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। होशंगाबाद के शैल चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन है जी आर हंटर को, दूसरा ऑप्शन एंडरसन को, तीसरा ऑप्शन है मनोरंजन घोष को और चौथा ऑप्शन है विष्णुधर वाकड़कर को। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मनोरंजन घोष को। होशंगाबाद के शैल चित्रों की खोज का श्रेय मनोरंजन घोष को जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। पूर्व पाषाण युग का समय क्या है? पूर्व पाषाण युग का समय क्या है? चार विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में से सही विकल्प क्या होगा? तो यहाँ पे सही विकल्प जान लेते हैं। तो सही विकल्प है ऑप्शन ए, 30,000 ईस्वी पूर्व से 25,000 ईस्वी पूर्व का जो युग है पूर्व पाषाण युग का समय है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। भीमबेटका से प्राप्त होने वाले अधिकांश चित्र बने होते हैं, फर्श पर बने हुए हैं, मुड़े रूप में बने हैं, दीवार और छतों पर बने हैं, गुफाओं के द्वार पर बने हुए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दीवार व छत पर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। सिंधु सभ्यता में कुंभकारों के भट्टों के अवशेष कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो या लोथल? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मोहनजोदड़ो में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। हड़प्पाइयों की सबसे सुंदर ईंट चिनाई कला पाई जाती है अग्निकुंडों में, गोदीवाड़ों में, विशाल स्नानागारों में या भवनों में? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विशाल स्नानागारों में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। हड़प्पा को हरियुपिया कहा गया है सामवेद में, अथर्ववेद में, यजुर्वेद में या ऋग्वेद में? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। 1365 में कागज पर चित्रित कल्पसूत्र की प्रति कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ है? ऑप्शन है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, मोती चंद्र खजांची के पास, जैसलमेर भंडार में या म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बोस्टन में? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, मोती चंद खजांची के पास। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल दरबार में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है था? फारसी, तुर्की, उर्दू या अरबी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, फारसी। मुगल दरबार में फारसी भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। अभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली का नाम देने वाले विद्वान कौन थे? ऑप्शन है आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, मुलक राज आनंद या जगदीश गुप्ता? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अभ्रंश शैली को पश्चिमी भारतीय शैली नाम देने वाले विद्वान आनंद कुमार स्वामी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। पशुपति की अंकित हड़प्पाई मुहर प्राप्त हुई है आमरी से, मोहनजोदड़ो से, कोटाद्रिजियों से या हड़प्पा से? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। कल्पसूत्र ग्रंथ संबंधित है जैन धर्म से, जैन संस्कारों से, जैनेतर कथा प्रसंगों से या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन ए सही होगा, जैन धर्म से संबंधित है कल्पसूत्र ग्रंथ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है त्रिवेंद्रम में, मदुरई में, महाबलीपुरम में या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मदुरई में। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। मड़वाड़ स्कूल से संबंधित शैली क्या है? कृष्णगढ़ शैली, झालावाड़ शैली, जयपुर शैली या अलवर शैली? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कृष्णगढ़ शैली। तो मड़वाड़ स्कूल से संबंधित शैली कृष्णगढ़ शैली है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 47। पिछवाई बनाया जाता है लकड़ी पर, भित्ति पर, कपड़े के पट्टों पर या कैनवास पर? तो पिछवाई जो चित्रण होता है वो बनाया जाता है कपड़े के बड़े पट्टों पर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, ईजल प्रयुक्त होता है पेस्टल चित्रण में, तैल चित्रण में, फेब्रिक चित्रण में या जलरंग चित्रण में? ऑप्शन बी सही होगा, तैल चित्रण में। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, परिप्रेक्ष्य का प्रयोग चित्र में क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए गहराई, ऊंचाई, अनुपात, आकार? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, गहराई।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, षष्ठंग के लेखक कौन है? वात्स्यायन मुनि है, पंडित सिद्धेश्वर है, राजभोज है या सोमेश्वर है? तो षष्ठंग के लेखक जो है वो हैं पंडित यशोधर। इन्होंने चित्रकला के 6 अंकों बताया है, रूप भेद प्रमाण भाव लावण योजना सदृशा वणिका भंग, ये 6 षष्ठंग हैं। तो पंडित यशोधर यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोग को। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।